जय श्री कृष्ण दोस्तों, सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। एक और नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है, अग्नि तत्व की राशियाँ सूर्य और मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दोनों ही अग्निकारक ग्रह हैं, दोनों ही क्षत्रिय ग्रह हैं। अब देखिए क्या ये परिवर्तन लेके आते हैं। सबसे पहले बात करें मेष राशि की, आज हम बात करेंगे सिंह राशि की, हम बात करेंगे धनु राशि की बात करेंगे, क्योंकि तीनों की तीनों अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। अब प्रकृति की बात करें या काल पुरुष की हम बात करें तो उसके अंदर मेष राशि जो है सबसे पहले भाव की राशि होती है और लग्न कहलाता है, जो मुख कहलाता है। जो अगर मुख ही खराब है, मुख पे ही तेज नहीं है, अस्त है, तो पूरी कुंडली ही इतना अच्छा फल नहीं दे पाती, ये हम सभी जानते हैं। तो मंगल स्वग्रही होंगे सबसे पहले अग्नि तत्व की राशि में। अग्नि तत्व का आना सबसे शुभ है, अच्छा है। फिर बात करें सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, खुद की राशि में जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सेनापति अपनी राशि में जा रहे हैं। इनके जो परम मित्र हैं गुरु, वो केतु के साथ अपने ही राशि धनु में केतु के साथ जो उच्च का है बैठे हुए हैं। गुरु अभी धनु राशि में वक्री होकर चल रहे हैं, तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अकेला ग्रह अगर कितना उच्च का भी हो चाहे अच्छा हो, जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी वो इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन 16 अगस्त 2020 को दो मेन ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो गुरु को भी बल मिलेगा, केतु को भी बल मिलेगा, क्योंकि इन तीनों राशियों में बात करें मंगल सूर्य शुक्र और गुरु के है केतु के नक्षत्र आते हैं। तो बात करते हैं आगे की कि हम क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें सूर्य और मंगल और गुरु। सूर्य औषधि के कारक है, सूर्य मंगल लग्न के भी कारक होते हैं, क्योंकि प्रथम भाव के भी हैं। तो इनसे ये खुद काफ़ी चीज़ों के कारक होते हैं, इनके भाव भी काफ़ी चीज़ों के कारक होते हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्य और मंगल जैसे मैंने बताया क्षत्रिय है, अग्नि है, तो ये हाथों हाथ शुरू में असर दिखाना शुरू कर देते हैं और पवित्रता के लिए कारक हैं। अब देखो हमको इससे मिलता क्या क्या है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो पितृदोष शांति के लिए सबसे अच्छा समय है ये एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने लगा सकते हैं, क्योंकि फिर सूर्य जो है वो कन्या राशि में जाएंगे जहाँ बुध उच्च के हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का आपके पास टाइम है और इन्हीं 2 महीनों के बीच में पितृदोष शांति भी हो जाएगी। इन दोनों महीनों के बीच में पितृदोष शांति के कैसे आ जाएंगे, पितरों के 16 दिन आएंगे सेप्टेम्बर में, तो सूर्य अपने घर के रहेंगे और फिर सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे उच्च के बुध के साथ, तो आपको फायदा मिलेगा। तो किसी भी तरीके का पितृदोष क्यों ना हो, अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे अग्नि आगजनी से मरे हों, चाहे करंट से मरे हों, चाहे एक्सीडेंट से मरे हों, चाहे बीमारी से मरे हों, तो उनके लिए आप शुद्धि करवा सकते हैं, गायत्री जाप आप करवा सकते हैं, पितृदोष शांति भी कर सकते हैं आप। इससे जो है पितृदोष शांति से आपको आपकी जो पीढ़ियाँ हैं और जो गुजर चुकी पीढ़ियाँ हैं दोनों ही सही हो जाएंगी, आपको बेनिफिट मिलने लगेगा, वंश वृद्धि भी होगी, धन वृद्धि भी होगी, हर तरीके का सुख पितरों की शांति से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आप 1.25 लाख गायत्री जप करवा सकते हैं, कुलदेव कुलदेवी की शांति भी आप करवा सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगी थोड़ी सी पूजा पाठ के साथ। अगर मान लो कुलदेवी या कुलदेवता नाराज चल रहे हैं तो उनकी शांति के लिए भी ये महीने अच्छे चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पितृदोष और कुलदेवी देवता की उसके अंदर देखा जाए तो सूर्य गुरु और मंगल ही देखे जाते हैं मेन पितृदोष शांति के लिए और कुलदेवी देवता की शांति के लिए। तंत्र और काला जादू का भी काट हो जाएगा, मतलब आपके दुश्मन आपके बैरी अगर काला जादू कर दिया हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय चलेगा, क्योंकि सूर्य स्वग्रही होंगे, अग्नि तत्व की राशि स्वग्रही होंगी और ये आपको काफ़ी कुछ इस चीज़ में मदद कर देंगे, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो काला जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर छोड़कर चली जाएगी। सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही है या कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो वो भी अब दूर हो जाएगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए, सूर्य देवता की मंगल देवता की आराधना कीजिए,
तो सरकारी नौकरी के भी लाभ आपको मिलने वाले हैं। शत्रु हंता योग भी बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो सूर्य अपने घर के बैठेंगे, गुरु अपने घर में बैठे हैं उसके केतु के साथ, और मंगल सेनापति अपने घर का प्रथम भाव में, तो ये क्या होगा, शत्रु हंता योग। अब अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो ये मजबूत होंगे, अपने घर में होंगे, तो जो भी आपको शत्रुओं से परेशानी आ रही थी, शत्रु प्रबल स्थिति में थे, मजबूत स्थिति में थे, एकदम कमजोर स्थिति में हो जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन, अब जिनको नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, काफी मेहनत कर रहे थे, अब उनको नौकरी में प्रमोशन भी मिलने लग जाएगा। बात करें हवन आदि, देखिए अभी जो समय चल रहा था, राहु कुछ का बैठा हुआ था और शनि की तीसरी दृष्टि, अगर विश्व की देखी जाए, प्रकृति की देखी जाए, तो तीसरी दृष्टि विश्व के खर्च वाले भाव पे थी, तो ये भाव तीसरी दृष्टि से बिगड़ चुका था, काफ़ी कुछ खर्च हुआ, काफ़ी कुछ जनहानि धनहानि सब हुई, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि थी, जैसे ही जनवरी में आए तो इन्होंने बिगाड़ खाता शुरू कर दिया था, राहु उचका था तो इन दोनों को साथ मिल गया था। अब कुछ ऐसा नहीं होगा क्योंकि गुरु अकेले थे, अब गुरु के सपोर्ट में सूर्य मंगल भी आ गए हैं और शनि अपने दसवें भाव में है ही, तो हवन अगर आप पूजा पाठ करवाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, रिश्तों में आ रही अनबन, रिश्तों में बनती नहीं हो तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपको फायदा मिलने लगेगा। तो हवन जरूर करवा लीजिएगा, इन दो महीनों के अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा हवन कराने से भी। पूजा पाठ में लाभ नहीं मिल रहा था जो भी, मान लो इसका अर्थ ये है कि मान लो आप पूजा पाठ करते थे सुबह से हम या कभी भी, तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी पूजा पाठ लग रही है कि नहीं लग रही है, पूजा पाठ करने के बाद भी चिड़चिड़ा मन या ज़्यादा समय तक आप खुश नहीं रह पा रहे हो, तो उस पूजा कर्म अब आप शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन अब नहीं होगा। कृषि जमीन फसल आदि में भी अब आपको फायदा मिलने लगेगा, जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो जो भी नुकसान में जा रहे थे अब नुकसान होना बंद हो जाएगा, और कृषि से जमीन से जायदाद से सब अब फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कृषि का है और अनाज का जो कारक होते हैं वो गुरु हैं, उसके केतु के साथ बैठे हुए हैं, इनको फायदा जरूर मिलेगा। मकान वाहन शिक्षा में भी फायदा अब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव के कारण और पंचम भाव में सदग्रही होकर बैठे हैं सूर्य, बुध भी आ जाएंगे साथ में दो दिनों के बाद में, और गुरु बैठे ही हैं, शिक्षा से सुख, संतान से सुख, सब चीज़ से सुख मिल जाएगा, मकान वाहन शिक्षा का सुख भी अब आपको फायदा देगा ही देगा। बात करें जैसे गाय, मान लो दक्षिणमुखी घर है, पश्चिममुखी घर है, अगर गाय नहीं है या गाय से आपको फायदा नहीं हो रहा है, गाय मर रही है, तो इस समय अगर आप गाय लेके आएंगे या गाय की सेवा करेंगे तो भी इन दो महीनों में आपको गाय का लाभ मिलने लग जाएगा। फिर बात करें वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन ग्रह ये होते हैं गुरु मंगल और सूर्य, ये जैसे ही अपने घर में आएंगे तो वास्तु दोष अगर बन रहा है किन लग्नों के लिए, जैसे मेष है, जैसे कि कर्क है, सिंह है, कन्या है, वृश्चिक है, धनु है और मीन, अगर वास्तु दोष बन रहा था वो भी अब दूर हो जाएगा। संतान सुख और संतान से सुख भी मिलने लगेगा, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि संतान सुख पर पड़ेगी, और देखो पंचम से पंचम गुरु के केतु के साथ में बैठे हुए हैं अपने घर के, तो संतान का सुख और संतान से सुख भी अब मिलना शुरू हो जाएगा। हर तरीके की कोई बीमारी अगर बड़ी चल रही है या बीमारी ने परेशान कर रखा हो तो भी बीमारियां भी अब खत्म कर देंगे सूर्य देवता और गुरुदेव। वाणी में ओज आएगा, वाणी में तेज आएगा सूर्य की वजह से, और मिठास आएगी गुरु की वजह से, और पराक्रम वृद्धि होनी ही होनी है, तीसरा भाव भी मजबूत हो जाएगा, छठा भाव भी मजबूत कर देंगे, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियां हैं, इनको कमजोरी या गलत चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सूर्य गुरु और मंगल, तो हर तरीके से आप लगा लीजिए लाभ ही लाभ होगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा आप कर सकते हैं, या आपके जो भी कुल देवता कुल देवी जो है, इष्ट देवता इष्ट देवी जो है, या जो भी आपके आराध्य आप जिसकी भी सेवा करते हैं उसकी आप सेवा करिए, ऑटोमेटिक ये तीनों ग्रह जो हैं मजबूत हो जाएंगे, फायदा आपको मिलेगा। खून शुद्धि, अगर किसी का रक्त विकार हो, रक्त की समस्या हो, तो उसमें भी अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सूर्य जैसे पूर्व उठने की आदत डालनी है, ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाइए,
सुंदरकांड भी आप पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं और गायत्री जप पूरा परिवार आप मिलकर करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर सब लोगों को शेयर कीजिए, जो अभी तक परेशानी में थे उन सब की आप परेशानी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी राशियों का हाल, जल तत्व की, भूमि तत्व की जो राशियां हैं उनका क्या हाल होगा, क्या कुछ उनको मिलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप जन्म अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो YouTube पर आइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी, और आपके कमेंट कर सकते हैं, बर्थ डिटेल डालिए और आपको आपका जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।